select the best method for the preparation of the following compounds. मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है और ये हमारे पास नियर टू द ऑब्जर्वर अल्कोहल है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर CH3 है. यहाँ अगेन डिफरेंस है, वाइस वर्सा है. रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन विद CH3 एलाय. आपको बेस्ट मेथड प्रिपरेशन की ढूंढनी है इन दोनों के लिए. तो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विथ MCPBA दैट इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड फॉलोड बाय CH3MgBr. क्या हुआ, साइक्लोहेक्सीन लिया, उसके साथ किसकी रिएक्शन की, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो क्या हुआ, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, यानी कि डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप का रिएक्शन हो जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्म होता है. इपॉक्साइड फॉर्म हुआ और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, CH3Mg+Br. तो वो एक्शन करने के बाद आपको OH भी मिला और CH3 भी मिला, जो कि यहाँ पर दिखाया है. तो उसका क्या मिल सकता है, उसका हमें रेसमिक मिक्सचर मिल सकता है, क्योंकि जो दोनों कार्बन थे वो अभी कायरल कार्बन है. दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द डी, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विद MCPBA फॉलोड बाय CH3MgBr.